दोस्तों बात करेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वर्सेस जीएसटी इंस्पेक्टर के रैंक और कट ऑफ के बारे में। जो कैंडिडेट सीजीएल और 24 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे सीजीएल और 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको दोस्तों एक आइडिया लगेगा कि आखिर जो है किस जोन तक कितनी कट ऑफ जो है और रैंक जो है तक ये सिलेक्शन जो है हमारा होता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पर्टिकुलरली हम जो है मुंबई जोन की रैंक और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और मिनिमम कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों सीजीएल 2023 के कोर्ट केस का फाइनल डिसीजन जो है आ चुका है और इसके जरिए एसएससी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वह ये वाली गलती जो है आगे सीजीएल 2024 या 2025 के अंदर ना करें, ताकि कैंडिडेट जो हैं सही अपनी चीज़ें जो आगे इन फ्यूचर में कर सके। ठीक है, तो ये क्या कुछ मामला है दोस्तों, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मिनिमम कट ऑफ जो सीजीएल 2023 के अंदर जो गई थी जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहां पर देख सकते हैं 310 नंबर पर ये वाली कट ऑफ गई थी और 325 नंबर पर दोस्तों ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो एसटी की कट ऑफ यहां पर 283 गई थी और यहां पर 296 नंबर पर गई थी। ठीक है, लगभग 10-15 नंबर का गैप यहां पर दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये वाली कट ऑफ दोस्तों इनकी भी देख सकते हैं आप। ठीक है, वीएच कैटेगरी की और इनकी सबकी। ठीक है, तो यानी कि एक आपको इससे पता लग गया कि लगभग जो है इतने, यानी कि ये वो वाली कट ऑफ है जिसमें मिनिमम कट ऑफ है ये। ठीक है, जिसमें सिलेक्शन होता है और 4600 ग्रेड पे की दोस्तों यही कट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर की सबसे जो है कम जाती है। ठीक है, और एक्साइज इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसी पिछली बार 2389 थी और इस बार कितनी है 2664 है। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर की, जीएसटी इंस्पेक्टर की। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों चेन्नई जोन के अंदर 572 और उसके बाद जो है कोलकाता के अंदर है 408 और यहाँ पर हम बात करेंगे मुंबई जोन की तो 119 वैकेंसी हैं। मुंबई हमेशा से ही मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, मुंबई यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर का राजा ही है एक तरह से, लेकिन इस बार वैकेंसी इसके अंदर कम है। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर सीजीएल 25 के अंदर दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो पिछले दोनों साल में दोस्तों पिछली बार अच्छी खासी आई थी। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या है नॉर्थ इंडिया के, तो वो यहाँ से छोड़कर जो है शिफ्ट भी होंगे। ठीक है, तो यानी कि 25 वालों के लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसी इस बार 411 है, पिछली बार 168 थी। ठीक है, तो मुंबई जोन की अगर बात करूँ तो इस बार 39 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों देखेंगे आप तो दिल्ली के अंदर 49 वैकेंसी, उसके बाद कलकत्ता के अंदर 45 वैकेंसी। ठीक है, कैटेगरी वाइज डाटा आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लेने के लिए दोस्तों चाहे आपका सीजीएल 24 का मेंस हो या फिर आपने सीजीएल 25 देना हो, तो आपको दोस्तों मेंस के अंदर और टीयर प्री हो या मेंस हो, सब्जेक्ट दोस्तों आपके सेम ही रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आपको एक चीज़ और जाननी जरूरी है, ऑल इंडिया में आपका रैंक कितना चल रहा है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऑल इंडिया में कितना रैंक होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जो है टेस्ट बुक ने पास प्रो निकाला है, इसमें कामयाबी सक्सेस एक्सप्रेस सेल जो है निकाली है। इस पास प्रो को दोस्तों मैं आपको क्या क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, टीयर 1 टीयर 2 सभी के हैं, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो, क्योंकि रेलवे की भी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, इन सब चीज़ों में दोस्तों वीक एरिया का पता लगा और ऑल आपको ऑल इंडिया में रैंक का दोस्तों इससे पता लगेगा कि आपकी कितनी रैंक जो है आखिर चल रही है, क्योंकि यहाँ पर लाखों कैंडिडेट जो हैं रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो आपने ये वाला कूपन कोड यूज़ करना है SSL12। ठीक है, SSL12, तो आपको जो है इतने में 622 रुपये में आपको ये जो है मिल जाएगा। ठीक है, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, तो वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड करके ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जयपुर जोन के, मुंबई जोन के एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में। ठीक है, तो पिछली बार दोस्तों 621 वैकेंसी थी, मैंने आपको भी बताया 347 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की, तो रैंक कितने तक सिलेक्शन हुआ था 2930 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था और कट ऑफ गई थी दोस्तों 310 नंबर पे। ओबीसी की 81 वैकेंसी थी 3700 तक और कट ऑफ गई थी 308। इसी तरह ईडब्ल्यूएस एससी एसटी यहां पर आप जो है देख सकते हैं इतनी कट ऑफ दोस्तों यहां पर देखने को मिली थी। ठीक है, और ये वाला रैंक आपका ऑल इंडिया में रैंकिंग इतना। इस बार दोस्तों कितनी है एक्साइज इंस्पेक्टर की, आपको पता है कि 56 यानी कि टोटल 119 वैकेंसी हैं। ठीक है, 56 वैकेंसी आपकी जो है यूआर कैटेगरी के अंदर, लगभग दोस्तों 1600 रैंक तक आपका सिलेक्शन होगा और इसके हिसाब से जो कट ऑफ बन के निकला है 316 नंबर के आसपास। ठीक है,
इसमें प्लस माइनस होगा क्योंकि पेपर का लेवल दोस्तों हो सकता है थोड़ा सा हाई आ जाए, एक के क्वेश्चन का डिफरेंस यहाँ पर आने देखने को मिल सकता है आराम से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीजें देख सकते हैं। तो ये दोस्तों है एक्साइज इंस्पेक्टर का। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, जिनका मोटो दोस्तों इनकम टैक्स में जाने का। तो इस बार टोटल इसके अंदर 43 वैकेंसी है, ठीक है। सीजीएल 2022 के अंदर से मैं कंपैरिजन दोस्तों इसका कर रहा हूँ, क्योंकि सीजीएल और 22 के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 450 वैकेंसी थी और पिछली बार 168 थी, तो इसलिए मैंने कंपैरिजन इससे किया, ठीक है, सीजीएल और 22 से। तो सीजीएल और 24 के अंदर 39 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसीज का दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 11 वैकेंसी दोस्तों आपकी जो हैं 1139 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। हुआ था मतलब लास्ट ईयर ओबीसी की दोस्तों 20 थी, 26 होते हैं, इतने इतने रैंक तक यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, 11 और इस तरह से। तो ये वैकेंसी दोस्तों मैंने फाइनलाइज वैकेंसी देखी है, टेंटेटिव वैकेंसीज में दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि कुछ वैकेंसी ज़्यादा हो और यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसी कम थी, ठीक है। तो कैटेगरी में यहाँ पर डिफरेंस आया था जब फाइनल वैकेंसी का चार्ट आया था। तो यहाँ पर आप देखें इस बार दोस्तों आपको जो है लगभग 950 रैंक तक आपको मिलने की संभावना है, 11 ही वैकेंसी हैं, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो लगभग दोस्तों आपका रैंक यहाँ तक जो है जाएगा, ठीक है, 325 नंबर के आसपास जो आपकी इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। 10 है दोस्तों 2000 तक, 4-2000, तो इस तरह से ही आपका रैंकिंग देखने को मिल सकता है। इसमें ईएसएम की दोस्तों 4 वैकेंसी हैं, ओएच कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। पिछली बार ईएसएम यानी कि टोटल 4 वैकेंसी थी, जिसमें ईएसएम की 3 थी और ओबीसी यानी कि यूआर ईएसएम से 1 थी और ओबीसी की, यानी कि यहाँ पर 11 में से भी दोस्तों मैं 2 वैकेंसी कम कर देता हूँ, तो 9 ही वैकेंसी आपकी जो है बचेंगी, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। अब बात कर लेता हूँ सीजीएल 2023 के कोर्ट केस के फाइनल डिसीजन के ऊपर। तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो यहां पर क्या हुआ था, ठीक है, और अब क्या होनेगा, और हम एसएससी से हमारी क्या रिक्वेस्ट है। मेंस एग्जाम होता है दोस्तों, उसके बाद आपकी आंसर की आती है और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछे जाते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एसओसीएसएस लेना चाहते हैं, ऑडिटर लेना चाहते हैं, टैक्स असिस्टेंट लेना चाहते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पूछ लिया जाता है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, फाइनल आंसर की आती है, ठीक है, उसके बाद ये फाइनल आंसर की आती है। तो यहां पर इस स्टेज पर हमें अपने फाइनल मार्क्स का पता नहीं होता, ठीक है, तो फाइनल मार्क्स का नहीं पता होता, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है बाद में चेंज हो गए थे और जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया कि कोर्ट केस कर दिया, 5-6 क्वेश्चन के ऊपर, 6 क्वेश्चन के ऊपर जो है कोर्ट केस कर दिया, उनमें से एक क्वेश्चन एसएससी कोर्ट ने जो है मान लिया, जो कि था ओके वर्ड, ठीक है, OKAY, ठीक है, कि भाई ये वाला सही है, ठीक है, तो ओके वर्ड मान लिया। अब इनकी दोस्तों क्या होगा, उसके बाद क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है। तो यानी कि इस बार ये चीज ना हो तो हम ये चाहते हैं कि फाइनल आंसर की दोस्तों यहां पर आंसर की आने के बाद जैसे हमसे ऑब्जेक्शन पूछते हैं, फिर हमें फाइनल आंसर की जारी करें, फिर पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दे, ठीक है, तो ये वाली चीज करेंगे। तो इस बार जो है जो सीजीएल 28 में हुआ था वो इस बार ताकि ना हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या कुछ निकल के आया है निचोड़, ठीक है, ये फाइनल डिसीजन है 18 अक्टूबर 2024 का। इससे पहले भी दोस्तों दो तीन बार जो है डिसीजन इसके आ चुके हैं, ठीक है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, ठीक है, और आगे भी। तो यहां पर वो इस ओके वर्ड को यानी कि एक क्वेश्चन को जो है, एक क्वेश्चन का आंसर जो है जज साहब ने कहा यानी कि कोर्ट ने कहा कि इसका आंसर ठीक कर दो और इस एसएससी के रिजल्ट को क्या कर दो, रिवाइज कर दो, ठीक है, चेंज कर दो, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, विद इन 2 वीक्स फ्रॉम टुडे, यानी कि लगभग 18 अक्टूबर से लगभग मान के चलें तो 2 नवंबर तक का जो है यहां पर टाइम इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, 2 नवंबर का दोस्तों यहां पर टाइम दिया गया है कि 2 नवंबर तक इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दो, जो भी आपने करना है, यानी कि ठीक है। अब इस अगर नहीं करते हैं तो एसएससी के चेयरमैन और डीओपीटी के बिफोर द सेक्रेटरी को जो है प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर निकल कर आई हैं। तो और इससे जो है लगभग 800 कैंडिडेट का जो है इन आउट को जो स्टेटस बनता है, ठीक है। तो अब एसएससी क्या डिक्लेयर, क्या फैसला लेती है, कैसे इसको जो है हैंडल करती है, आगे रिव्यू पेटिशन में जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों वो आगे गर्व की बातें हैं, फ्यूचर ही बताएगा इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से 2-3 बार ये चीज़ें ऐसी कह चुके हैं, लेकिन
एसएससी जो है हर बार अपने कि भाई आगे के आगे जो है चलते रहते हैं कि भाई सर अब हमने ज्वाइनिंग दे दी है, बच्चे इफेक्ट होंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब किसी को नहीं पता है कि क्या जो है इसके अंदर होने वाला है। और बाकी 2 नवंबर तक का दोस्तों इसके अंदर टाइम दिया गया है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द टूडे। ठीक है, तो 18 से लेकर दोस्तों आप देख सकते हैं 15 दिन का लगभग 2-3 नवंबर तक ये जो है जो भी होना है इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, नहीं होना जो भी होना दोस्तों आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, जो भी अपडेट्स होगी हम जो है आपको ज़रूर बताएंगे। तो और बाकी सारी चीज़ें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2024 के नाम से हैं। ठीक है, तो हम तो एसएससी से रिक्वेस्ट करते हैं भाई हाथ जोड़कर पैर पकड़वा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन ये फाइनल आंसर की दोस्तों यहां पर जारी जरूर कर दें। ठीक है, यहां पर आंसर की जारी कर दें ताकि बच्चा अपने मार्क्स के हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो है चूज कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बस मैंने ये सिर्फ आपको ये अपडेट्स देनी थी। थैंक यू।